आजकल ऐसे चार चार कैमरा वाले स्मार्टफोन आ जाते हैं और इनको देख के हमको ऐसा लगता है कि इसी कंपनी का पुराना लॉन्च हुआ स्मार्टफोन जिसमें हमको दो कैमरा देखने को मिलते थे वो कहीं ना कहीं पीछे है और ये चार कैमरा वाला स्मार्टफोन बहुत आगे, ये तो हमको कमाल की फोटोग्राफी निकाल के दे ही देगा। और इसके साथ मतलब ये जो नए फ़ोन आते हैं उसी कंपनी के जो पुराने फ़ोन आ जाते हैं वो हमको लगता है कि नए वाले फ़ोन बहुत ज़्यादा बेटर हैं कंपेयर टू पुराने वाले फ़ोन के। हालांकि यार हमको वो सीरीज़ भी देखनी होती है कि कौन सी सीरीज में ये फोन लॉन्च हुआ है। जैसे MI की भी अलग अलग सीरीज देखने को मिलती हैं अपन को, जैसे A सीरीज देखने को मिलती है, नोट सीरीज देखने को मिलती है, तो अपन को ये सारी चीजें देख के चलना होता है। आज इस वीडियो के चलते मैं आपसे बात करने वाला हूं Redmi Note 8 वर्सेस Redmी Note 7 Pro की। अभी दोनों ही फोन एक ही प्राइस रेंज में आते हैं लेकिन इनकी जो स्पेसिफिकेशन है वो एक दूसरे को मैच नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को बहुत डिफरेंस में ले जाते हैं। तो इस वीडियो के चलते मैं ये आपका डाउट पूरा तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यार मैं कमेंट्स में रिप्लाई दे दे के परेशान हो गया हूं इस एक क्वेश्चन का कि Redmi Note 7 Pro लें कि Redmi Note 8। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ Redmi Note 8 वर्सेस Redmi Note 7 Pro की नेटवर्क कैपेसिटी की। अब जो नेटवर्क कैपेसिटी होती है वो CAT के नंबर पे डिपेंड करती है, CAT। अब आगे जो नंबर होगा वो जितना ज़्यादा होगा उसकी नेटवर्क कैपेसिटी होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसमें अपन को देखने को मिलता है CAT 12। अब जो Redmi Note 7 Pro है उसमें अपन को देखने को मिलता है CAT 9। तो कहीं ना कहीं नेटवर्क कैपेसिटी के मामले में Redmi Note 8 आगे चला जाएगा। नेटवर्क कैपेसिटी कैसे कि मतलब जहाँ पे नेटवर्क बहुत कम आ रहा है और वहाँ पे अपन को एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा नेटवर्क खोज के निकाल ले। तो Redmi Note 7 Pro के कंपेयर में Redmi Note 8 यहां पे थोड़ा सा बाजी मार के आगे चला जाता है। अब इसके बाद मैं आपसे बात कर लूं इनके लॉन्च की, तो ये अपन को जो Redmi Note 7 Pro है वो अपन को फरवरी 2019 में देखने को मिला था और ये जो Redmi Note 8 है वो अपन को देखने को मिला था अगस्त 2019 में। अब पुराने नए से आप कभी भी ये चीज कंपेयर मत कर लेना। अगर बहुत पुराना है किसी कंपनी का स्मार्टफोन तो उसमें आगे जाके अपन को जो सॉफ्टवेयर अपडेट हैं वो अपन को नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन ये दोनों फोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 5-6 महीने का डिफरेंस है। तो जितना आपको Redmi Note 8 में देखने को मिलेगा उतना ही Redmi Note 7 Pro में भी देखने को मिलेगा। तो कभी भी इस चीज़ को मत कंसिडर करना कि ये पुराना है और ये नया है, दोनों ऑलमोस्ट एक से ही टाइम पे निकल के आते हैं। और जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स होंगे, जो MIUI अपडेट्स होंगे, वो आपको टाइम टू टाइम दोनों ही फ़ोनों में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद मैं आपसे बात कर लूँ इसकी बॉडी की, तो ये अपन को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ देखने को मिलता है, देखने में काफ़ी कमाल का लगता है। वहीं Redmi Note 7 Pro भी अपन को सेम ग्लास टाइप के साथ देखने को मिलता है, फ्रंट और बैक दोनों ही साइड में अपन को देखने को मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दोनों ही फ़ोनों में। और अपन को दोनों ही फ़ोनों की जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो भी अपन को सेम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा मेजर हाईलाइट यहाँ पे ये निकल के आ जाता है कि अपन को जो Redmi Note 7 Pro है उसमें अपन को एक सिम प्लस एक मेमोरी कार्ड अपन डाल सकते हैं या अपन दो सिम डाल सकते हैं, मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते। लेकिन Redmi Note 8 में अपन को ये एक फ़ायदा मिल जाता है कि यहाँ अपन ड्यूअल सिम 4G प्लस अपन एक मेमोरी कार्ड भी इसमें डाल सकते हैं, तो ये काफ़ी कमाल की बात निकल के आ जाती है। तो यहाँ पे अपन ने थोड़ी सी चीज़ ये नोटिस की कि अपन को Redmi Note 8 थोड़ा सा ऊपर निकल के आता दिखाई देता है CAT के नंबर्स में और दूसरा डेडिकेटेड माइक्रो स्लॉट में। तो यहाँ पे अपन को थोड़ा सा एडवांटेज देखने को मिल जाता है Redmi Note 8 के साथ। और अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ डिस्प्ले की। डिस्प्ले की अपन बात करें तो दोनों फ़ोनों में आपको ऐसा लगेगा कि दोनों ही फ़ोनों की डिस्प्ले आपस में कॉपी है, एक ही डिस्प्ले को दोनों फ़ोनों में यूज़ किया गया है। पे अपन को 6.3 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, 409 PPI डेंसिटी देखने को मिल जाती है और इसी के साथ FHD रेजोल्यूशन अपन को देखने को मिल जाता है। तो सारी ही चीज़ें आपस में सेम है, सेम स्क्रीन टू बॉडी रेशियो अपन को देखने को मिलता है 81.5 के समथिंग अपन को दोनों फ़ोनों में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में हम कोई भी कमी नहीं निकाल सकते, दोनों ही फ़ोनों में काफ़ी कमाल का डिस्प्ले मिलता है और दोनों ही बराबर के हैं। और अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे प्रोसेसर की, जो आपको उनको ताकत प्रोवाइड करता है। अब जिन लोगों को गेमिंग करनी है, जिन लोगों को मल्टीटास्किंग करनी है, उनके लिए भाई काफ़ी
काफ़ी कमाल का प्रोसेसर होना काफ़ी कमाल की ज़रूरत बन जाती है। तो यहाँ पे अपन को जो Redmi Note 8 है उसमें अपन को Snapdragon 665 देखने को मिलता है जो 11nm पे बेस्ड है। इसी के साथ Redmi Note 7 Pro में अपन को Snapdragon 675 देखने को मिलता है जो एक कदम आगे है 665 से। ये भी अपन को 11nm पे देखने को मिलता है, लेकिन इसमें अपन को देखने को मिलता है Adreno 612 Adreno GPU की मैं बात कर रहा हूँ। और इसी के साथ अपन को जो GPU Redmi Note 8 में देखने को मिलता है वो है Adreno 610। तो गेमिंग के मामले में नो डाउट Redmi Note 7 Pro आगे जाएगा। यहाँ पे अपन को मल्टीटास्किंग भी काफ़ी कमाल की देखने को मिलेगी Redmi Note 7 Pro के साथ। तो नो डाउट यहाँ पे प्रोसेसर के मामले में आगे चला जाता है, ताकत के मामले में आगे चला जाता है Redmi Note 7 Pro। और अब टाइम आ जाता है सदी के सबसे खतरनाक कंपेरिजन का, वो है कैमरा के साथ। तो यहाँ पे अपन को जो कैमरा गिमिक है वो समझना पड़ेगा थोड़ा सा। इसमें अपन को Redmi Note 8 में देखने को मिलते हैं क्वाड कैमरा, जहां जो प्राइमरी कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ। इसी के साथ दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है, और उसके बाद अपन को देखने को मिलते हैं 22 मेगापिक्सल के कैमराज। और इसी के साथ अपन को Redmi Note 7 Pro में ओनली ड्यूअल कैमरा देखने को मिलता है 48 मेगापिक्सल का प्लस 1.8 अपर्चर के साथ। और इसी के साथ जो दूसरा कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। इसी के साथ अपन को जो प्राइमरी कैमरा है इसका Redmi Note 7 Pro का, वो अपन को सोनी के IMX586 सेंसर के साथ देखने को मिलता है, जो काफी कमाल की चीज बन जाती है। मतलब सेंसर जितना अच्छा होगा उससे हम फोटो की क्वालिटी का पता लगा सकते हैं। हालांकि वो चीजें आफ्टर प्रोसेसिंग पे भी डिपेंड करती हैं, लेकिन जो कैमरा सेंसर होता है वो कहीं डायरेक्टली कनेक्टेड होता है फोटोज की क्वालिटी के साथ। तो अपन को इसमें सोनी का IMX586 सेंसर देखने को मिलता है Redmi Note 7 Pro के साथ, जो काफी कमाल की चीज है। तो अपन को ये चार कैमरा की कोई जरूरत नहीं है, अपन को नो डाउट Redmi Note 7 Pro काफी कमाल की फोटोग्राफी निकाल के देने वाला है कंपेयर टू Redmi Note 8 के। वहीं अपन को दोनों ही फोनों में 1080p पे 60fps और 120fps पे रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है, और दोनों ही फोनों में अपन को 4K पे 30fps की रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। वहीं जो सेल्फी कैमरा है वो दोनों फोनों में सेम देखने को मिलता है 13 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर के साथ, और वहीं 1080p पे 30fps पे अपन को फ्रंट वाली रिकॉर्डिंग भी देखने को मिल जाती है। तो दोनों ही फोनों में ये नहीं कहूंगा कि बहुत ऐसे आसमान जमीन का फर्क है, लेकिन कंपैरेटिवली Redmi Note 7 Pro आगे जाएगा नो डाउट फोटोज के मामले में। और अब अगर हम बात कर लें बैटरी की, तो बैटरी एक काफ़ी कमाल का कंसर्न निकल के आता है। दोनों ही फोनों में अपन को यहाँ पे कोई कंपैरिजन देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही फोनों में 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है प्लस 18 वोट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। तो ये तो हो गई डॉक्यूमेंट्स वाली बातें। अब इस फोन को मैंने यूज़ किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ इस फोन के अंदर जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है वो बिल्कुल ही घटिया है। Redmi Note 8 का बैटरी ऑप्टिमाइजेशन सीरियसली आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपको 3200 mAh की बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, सेम उतना ही देखने को मिलेगा। कहने को 4000 mAh की बैटरी है। तो यहां पे Redmi Note 7 Pro आगे जाएगा अपन जो रियल प्रैक्टिकल व्यू से देखें तो, डॉक्यूमेंटेशन से आपको पता नहीं चलेगा। तो यहां पे बैटरी के मामले में जीत जाता है Redmi Note 7 Pro। अब बात कर लेते हैं दोनों ही फोन के प्राइस रेंज की, क्योंकि प्राइस रेंज जो होती है उस पर सारी कहानी डिपेंड होती है, उसके अकॉर्डिंग ही अपन को सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो दोनों ही फोनों अपन को सेम प्राइस रेंज में देखने को मिलते हैं। अगर आप Redmi Note 7 Pro के साथ जाओगे तो वो आपको Flipkart पे 9999 रुपीज में देखने को मिलेगा 4GB 64GB वेरिएंट, और आप अगर Amazon पे जाके Redmi Note 8 को ट्राई करोगे तो वो भी आपको 9999 रुपीज में देखने को मिलेगा। तो दोनों ही की प्राइस रेंज अपन को सेम देखने को मिलती है। वहीं मेरे ख्याल से Redmi Note 7 Pro एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। जब Redmi Note 7 Pro फरवरी 2019 में अपन को देखने को मिला था, तब ये काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन था, वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन था। और अगर आज हम 10,000 की प्राइस रेंज में बात करें तो ये परसेंटेज और भी ज़्यादा आगे निकल के चला जाता है, अपनी प्राइस रेंज को बिल्कुल सेटिस्फाई करता है Redmi Note 7 Pro। जहाँ इसके साथ बहुत सारी कमियाँ मेरे को देखने को मिली, इसके जो बैक कैमरा है उसमें डस्ट भी काफ़ी चला जाता है। मैंने दो वीडियोज़ इस पर बनाए थे जिसपे कुछ 3-4 लाख व्यूज़ थे, और काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था पीछे के कैमरा ग्लास में डस्ट बहुत ही आसानी से जा रहा है, और ये मेरे को भी देखने को मिला है। तो ये प्रॉब्लम मेरे को देखने को मिला, और इसी के साथ इसकी जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है वो मेरे को बिल्कुल ही घटिया लगी, और इसके साथ जो सेल्फी कैमरा है वो भी मुझे इसका कुछ खास देखने को मिला नहीं।
तो Redmi Note 7 Pro एक बेस्ट चॉइस हो सकती है, दोनों एक ही कंपनी के हैं तो आपको MIUI में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेम यूजर एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलने वाला है। तो यही थे मेरे ओपिनियन Redmi Note 7 Pro वर्सेस Redmi Note 7 Pro के लिए। अब आपका क्या है मानना, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पक्की अपनी राय दें, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अभी ये मत लिखना कि मैं कौन सा फ़ोन लूँ, क्योंकि मैंने सारे डाउट्स इसमें क्लियर कर दिए हैं मुझे ऐसा लगता है। और इसी के साथ आप ये दोनों फ़ोन अगर इसमें से कोई यूज कर रहे हो तो आपको ये फ़ोन कैसे लगते हैं, क्या कमियाँ नज़र आते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बिल्कुल भी लिखना ना भूलें। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें टेक मास्टर को, क्योंकि ये काफ़ी कंपल्सरी सी चीज़ है। एज यूजुअल हैव ए फंटास्टिक डे, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।